हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो है सरल रेखा पर आधारित जो है क्वेश्चंस, प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, सब चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्तीय तल का निरूपण करें तथा चतुर्थांश को दर्शाएं। क्या कह रहा है? कार्तीय तल का निरूपण करें तथा चतुर्थांशों को दर्शाएं। तो कार्तीय तल हमने आपको बताया है शुरू में ही। कार्तीय तल का मान लीजिए आपका कार्तीय तल सबसे पहले बनाते हैं। आपका ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ये आपका मूल बिंदु होता है, इसका निशान 0-0 होता है। और इधर की तरफ चलेंगे पॉजिटिव, इधर की तरफ चलेंगे पॉजिटिव, इधर की तरफ चलेंगे निगेटिव, इधर की तरफ चलेंगे निगेटिव। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थांश। इसमें सब जो हमारा निर्देशांक होगा पॉजिटिव होगा, और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई माइनस नेगेटिव होगा, इसमें सभी नेगेटिव होंगे, इसमें एक्स वाई जो है नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इसमें वाई नेगेटिव होगा, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। 13 कार्तीय तल, जिसमें हमने आपको चतुर्थांश बता दिया, साइन क्या होता है, एक्सिस कौन कौन से हैं इसके बारे में पूरा बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदुओं 3-4 वे B 3-5 को कार्तीय तल में दर्शाएं तथा उनके चतुर्थांश का निर्धारण करें। तो हम देखते हैं
बिंदु हमारा क्या है, ए है आपका 3 ऋण 4 और बी है 3 ऋण 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय तल बनाएंगे, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश मूल बिंदु हो, इतना हमको दर्शाना बिंदु है कह रहा है। एक्स ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स होता है वाई होता है, इसको एक्स को भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं, हमने अपने वीडियो में बताया है, इसको आप देख लीजिएगा। अब बोल रहा है बिंदु ए, यानी एक्स बराबर कितना चलना है, एक्स हमारा चलना 1 2 3, एक्स 3 चलना है, वाई -4 चलना है, वाई कितना चलना है -4, यानी 1 2 3 4, इधर माइनस होता है तो वाई कितना चल रहा है -4, 1 2 3, ये आपका हो गया एक्स, और वाई 1 2 3 4 -4, ये आपका ये बिंदु के आंसर हो जाएगा 3 ऋण 4, और आपका बिंदु ए हो गया, और एक हो गया, एक आपका चलना है बी, एक्स कितना चलना है -3, माइनस इधर होता है तो 1 2 3, और वाई -5 चलना है, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 आपका यहाँ आ रहा है, तो आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी -3 -5। अब पूछ और कह रहा है चतुर्थांश का निर्धारण करें, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, बिंदु इतने तीर्थ में होगा और ये चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश 4 हो जाएगा, 4 में होगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बिंदुओं 2 3 व 5 व 4 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे मान लीजिए दो बिंदु आपका, ये आपका क्या है 2 3, और एक बिंदु भी है आपका 5 4। तो मान लीजिए एक्स वन है, वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल वर्ग प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल वर्ग, क्या हो जाएगा, एक्स वन आपका है 2 और एक्स टू है -5 और 5 माइनस मिलकर क्या हो जाए प्लस 5 का होल वर्ग प्लस वाई वन आपका है 3 -4 है तो प्लस हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 7 का होल वर्ग प्लस 7 का होल वर्ग, यानी क्या हो जाएगा, करोड़ी में 49 × 49 यानी क्या हो जाएगा 49, यानी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई बिंदु P बिंदुओं 2 5 व 6 3 को 2:3 में अंतर विभाजित कर रहा, बोला अंतर विभाजित करता है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई बिंदु P बिंदुओं 2 5 6 3 को 2:3 में अंतर विभाजित करता है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हल करते हैं, मान लीजिए कोई दो बिंदु A व B ये हैं और P ये बिंदु ये है, मान लीजिए इनको 2 और 3 के बीच अनुपात में विभाजित करता है और माना इनके निर्देशांक x व y,
तो अंतर विभाजित करने वाले फार्मूले जो हम आपको बताए थे वो क्या था, x बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू, और y बराबर एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। अब अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू। अब इसमें जो है मान सभी रखते चले जाएंगे, एम वन आपका 2 और एक्स टू आपका जो है 6 प्लस एम टू 3 एक्स वन 2 बटे एम वन प्लस एम टू, मान रखते चले जाएंगे इस प्रकार। और x बराबर हमारा कितना आ गया इतना, और इसी प्रकार y हमारा कितना आ गया 21 बटे 5। आता है बिंदु पी एक्स वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पी 18 बटे 5 और 21 बटे 5, यही क्या हो जाएगा बिंदु पी का निर्देशांक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं 4, 3 - 2 - 3 से होकर जाने वाली रेखा की क्या ज्ञात करना, हमको प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता ज्ञात करने के लिए दो बिंदुओं के बीच जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए ए बिंदु आपका क्या हो जाएगा 4, 3 और बी क्या है 2 और 3, इसको मान लीजिए एक्स वन ए वाई वन एक्स टू वाई टू। तो रेखा की प्रवणता क्या होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 आपका दिया है 3 माइनस y दिया है आपका 3 और x2 2 और x1 4 दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा 6 बटे 6, यानी क्या हो जाएगा 1 1, क्या हो जाएगा यही रेखा की प्रवणता है। 1 कितने का मान होता है, 1/tan 45 का मान होता है। अतः m बराबर क्या हो जाएगा tan 45। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण करो जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, 5 का अंतःखंड काट रहा है। मान लीजिए कोई रेखा है x की धनात्मक दिशा से मान लीजिए काट रहा है, तो ये कहाँ से जाएगा, मान लीजिए ये कोई रेखा है धनात्मक दिशा कितना 30 अंश का कोण बना रहा है, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 5 है, ये दूरी कितना दिया है 5 दिया है, तो इस रेखा का हमको क्या समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, तो सी आपका क्या हो जाएगा 5 और थीटा आपका क्या हो जाएगा 30 अंश, चूंकि हम जानते हैं अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो m आपका कितना दिया है m बराबर tan थीटा, आपका tan थीटा कितना दिया है 30 अंश, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/cos θ, तो 1/cos θ इंटू एक्स प्लस
पाँच प्लस पाँच तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई का थ्री प्लस पाँच, ये क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, सीधी रेखा ई टेक्स 15y = 120 के उस भाग की लंबाई ज्ञात करो जो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले रेखा का समीकरण क्या है हमारा, 8x + 15y = 120। अब इसको जो है रेखाखंड वाले समीकरण में चेंज करेंगे तो 120 में भाग देंगे, 8x / 120 + 15y / 120 = 1 हो जाएगा। ये 15 / 120 यानी x / 15 + y / 8 = 1 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और आपका ये व्यापक समीकरण क्या होता है, समीकरण x / a + y / b = 1। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 15 और b बराबर आपका हो जाएगा 8। तो इसको देखते हैं कार्तीय तल पर, कार्तीय तल पर देखेंगे कितना काट रहा है ए पर आपका, ए आपको कितना काट रहा है, 15। मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ पर कितना काट रहा है आपका, 15 काट रहा है, यहाँ पर आपका 8 काट रहा है, ए बराबर 8। ए बराबर 15 और बी आपका कितना है, 8। तो इसका निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, 0 8 और इसका हो जाएगा 0 15, क्योंकि ए 8 काट रहा है, 15 काट रहा है, बी बराबर 15। अब हमको इसके और इसके बीच की दूरी ये ज्ञात करना है, डी, ये डी ज्ञात करना है, इनके और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, अतः उस भाग की लंबाई, उस भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, x1 - x2 + y2 - y1 = 1। x1 0 है माइनस x2 आपका ये 15 हो जाएगा, ये 0 15 प्लस y1 आपका 8 है और y2 आपका 0 है, तो कितना हो जाएगा कड़ी में, 15 + 8 यानी कड़ी 225 + 64 यानी आपका हो जाएगा 289। और इस कितने का वर्ग होता है, 17 का, यही क्या हो जाएगा जो है इस भाग की लंबाई हो जाएगा, यही जो है हमसे पूछ रहा था। प्रश्न आठवां आपका क्या है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण इतने पर स्थित हो तो ये का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु ये इतने पर स्थित है तो क्या है, समीकरण को संतुष्ट करेगा,
तो क्या करेंगे, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है, तो यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब x और y का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो 3y बराबर ax प्लस 7 समीकरण फर्स्ट में 3 व 4 का मान रखने पर, तो 3 × y आपका कितना है 4, और x 3 + 7 यानी 12 इक्वल टू 3 + 7। इधर आएगा आपका 12 - 7 इक्वल टू 3, 5 = 3, ए बराबर आपका हो जाएगा 5/3। यही ये का मान पूछ रहा, जब भी कहे कि ये बिंदु इस पे स्थित है तो मान तुरंत उसको संतुष्ट कराइएगा। संतुष्ट करा के इसका जो है मान निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्या कह रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके ऊपर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई कितना है 4 इकाई और लंब खंड का धनात्मक अक्ष के साथ झुकाव कितना दिया है 30 अंश। तो हम जानते हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, लंब दिया है तो लंब रूप में रेखा का समीकरण हम जानते हैं, और हम जानते हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अब क्वेश्चन में हमारा पी बराबर कितना दिया है, पी बराबर 4 इकाई दिया है और अल्फा का मान दिया है 30 अंश। समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू 4। कॉस 30 अंश का मान कर्ण 3/2 और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 इक्वल्स टू 4, यानी एक्स कॉस 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा लंब रूप में रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।